हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेरी में स्वागत है। और आज का टॉपिक है अनुपात और सनुपात का, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उसी का अगला भाग है। आयु क्वेश्चन को देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, चार पद परस्पर एक अनुपात में है। चार पद का क्या दिया हुआ, प्रथम पद, दूसरा पद और चौथा पद, क्रमशः चार है, 22 और 33 है। तीसरा पद ज्ञात करना है। कहता है तीसरा पद क्या होगा, ये पहला दिया है, दूसरा दिया और चौथा दे दिया, ठीक है। तीसरा पद निकालना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चार 22 अनुपात यहाँ, और तीसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद x मानेंगे, तीसरा पद का मानेंगे x, और चौथा पद कितना दिया, 33 दिया, ठीक है। तीसरा पद की वैल्यू हम एक समान है, उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ये क्या हुआ, चौथा हमको, और तीसरा हमको निकालना है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, ये दोनों, ये दोनों एक बार मल्टीपल करेंगे और फिर यहाँ से इसको इसे मल्टीपल करेंगे, तो 22 गुने एक्स करेंगे, कितना, 22 गुने एक्स बराबर करेंगे, और 33 गुने चार करेंगे, 33 गुने चार कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, 33 गुने चार बटम क्या आएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, दो से काटते हैं, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, तो एक्स के बराबर तीन दूनी छः, एक्स का वैल्यू कितना क्या, एक्स का वैल्यू 6 आंसर हो गया। तो हमारा तीसरा पद क्या आया, ये तीसरा पद आंसर हो गया 6। आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ कहता है, 9 17 और 27 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, चौथा पद क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है, 9 है, 17 है और कितना है, 27 है। ये 9 अनुपात कितना है, 17, और यहाँ क्या होगा, इस अनुपात हो गया, कितना दिया है, 27 दिया। हमको चौथा पद निकालना है, पहला दिया है, दूसरा और तीसरा दिया है, 9 17 और 27 दिया है, चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ से ये मल्टीपल करेंगे और यहाँ से देखें यहाँ कर देंगे, ठीक है, गुना करेंगे, 27 तो 9 गुने एक्स करेंगे, 9 गुने एक्स करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है। 17 गुने 27 करेंगे, 17 गुने 27, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स बराबर क्या आ गया, 17 गुने 27 कर देंगे, ठीक है, बट्टा 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 9 तिया 27 और 17 तिया 51, 17 गुने 3 कर देंगे, 17 गुने 3, 17 तिया 51, यस में 51 हमारा कहा गया, आंसर हो गया। ये चौथा पद हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आया, 51, ये हमारा फोर्थ नंबर का पद हो गया, ठीक है। यहाँ पे 51 भरा आ जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू 51 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहता है 0.02, ठीक है, 0.02 और 0.32 32 है, कितना का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात निकालने तो कैसे करेंगे, 0.2 और 0.32 का मध्य अनुपात सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है, रूट में ए गुने बी करेंगे, क्या करेंगे, रूट दे के ए गुने बी करेंगे। इसको लिखते हैं 0.02 गुने कितना करेंगे, 0.32 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 32 दुना 64 हो जाएगा, कितना जाएगा, 64, ठीक है, 32 दुना 64, पॉइंट है दुआ के बाद इधर जीरो लगा सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ठीक है। और दो अंक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो लगा के दें,
ये हमारा आंसर हो गया। ए गुने बी कर देंगे, जीरो 0.02 और 32, 32 दुना ये दोनों गुना होगा, 32 दुना 64, 64 पर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, दो अंक के बाद पॉइंट है तो दो अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। 15:12:20 चौथा पद पूछा, चौथा पद x मानेंगे, चौथा पद को क्या मानेंगे x मानेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे फिर यहाँ से इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x गुने 15 गुने x करेंगे बराबर 12 गुने 20 कर देंगे, ठीक है यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 12 गुने 20 हो जाएगा और 15 बाटा में चल जाएगा, ठीक गुना में तीस जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो वहाँ से कहते हैं 15 पंचों का 20, 3 से कहते हैं 3 चौका 12, 4 चौका 16, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 16, ये हमारा चौथा पद निकल गया, ठीक है।